है शुरुआत में आज मार्केट रेंज बाउंड रही, कैसे समझेंगे? अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आप पुरानी वीडियोस में सभी बार जाने होंगे, मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया है कि अगर आपको RSI 40 और 60 बैंड के बीच में दिख रहा है तो मींस वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन है। और उसमें मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं अभी, तो रेंज बाउंड सिचुएशन में प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सेलर्स का हो सकता है, बायर्स के बहुत सारे चांसेस रहते हैं लॉस के। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि रेंज बाउंड सिचुएशन में हमेशा आप ट्रेडिंग ना करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं मैंने आपको क्या लेवल्स दिए थे आज के लिए। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे पुराने व्यूवर्स कि मैं आपको टेलीग्राम में डेली जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जो आपको मार्केट में मीन्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस के किस तरीके से मार्केट ले सकती है वहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको देता हूँ मैं डेली। और आज के लिए जो लेवल्स थे वो कुछ इस प्रकार थे, यहाँ पे निफ्टी के लिए मैंने आपको दिए थे आज 11 जुलाई के लिए, और ये बैंक निफ्टी के लिए आपको कुछ लेवल्स दिए थे आज के लिए। बाकी सुबह मैं आपको ओपन गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है, प्री ओपन मार्केट के हिसाब से भी आपको बता दूँ। और इन सारे स्क्रीनशॉट जो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ मेरा कोई भी टिप्स का चैनल नहीं है, तो ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर करता हूँ ये कोई भी ऐसा प्रीमियम ग्रुप या कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एक टेलीग्राम चैनल है जो आपको दिख रहा है सामने, इसके अलावा मेरा कोई भी चैनल नहीं है। और ये चैनल फ्री है सबके लिए, कोई भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। बाकी रही बात स्क्रीनशॉट्स की, सारे कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने हमारी वेबसाइट से कॉम्बो कोर्स लिया है, स्टडी किया है, वो खुद से ट्रेड करते हैं, मैं किसी को कोई टिप नहीं देता हूँ। तो टू बी वेरी क्लियर, मैं किसी को कोई टिप नहीं देता हूँ, टिप का कोई चैनल नहीं है, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से आप 2999 में कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं, वीडियो के सबसे लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, हालांकि इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन हो पाते, उनको मिल नहीं पाता, मैंने आपको बोला आप व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ 7011292963 ये अकेला नंबर है मेरा, सिंगल यही एक नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ हाय लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिवर्ट बैक में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं जेन्युइन चैनल तो, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी हैं इस नाम से, तो फ्रॉड चैनल में मत फंसिएगा, जेन्युइन चैनल में फंसिए। अब चलते सीधे अपने चार्ट पे, ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए हुए, तो मार्केट आज टोटल साइडवेज रही है, जैसा कि हमने गौर किया, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस मेरे पास सुबह से ही आने लगे कि सर आज मार्केट साइडवेज है, लेकिन फिर भी जितने कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स थे उन्होंने तब भी कहीं ना कहीं कोई पैटर्न देख लिया या छोटा ट्रेड लिया, स्कैल्पिंग की कोशिश की है और कुछ प्रॉफिट्स बुक किए, जिसके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, और जिनके बाद में आए हैं मैं उनके बाद में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जैसे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा, और हालांकि ये रेंज के बीच में था तो कोई सॉलिड कन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन अगर किसी ने स्कैल्पिंग के लिए 10-20 पॉइंट के लिए यूज़ किया तो वो इस लेवल पे एग्जिट हो सकता था तुरंत, और मार्केट वैसे भी साइडवेज थी, कोई बड़े मूवमेंट। यहाँ अगर हम बात करें, जब ये मॉर्निंग स्टार बना और यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री अगर बनाई और यहाँ ये लेवल ब्रेक होके जैसे ही रिटेस्ट लिया, इसने एक बड़ा मूव आपको दिया। अभी फिलहाल मार्केट ड्रॉप होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अटक कहाँ पे रही है, खास ध्यान रखिए, सारी बातों को बारीकी से समझिए, कोशिश जो नाकाम हो रही है वो कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है RSI के लेवल पे, 60 RSI लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि 60 और 40 ये दो RSI में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो कि अभी आपके सामने। अब अगर बात करें हम वन डे के चार्ट, तो हम 2-3 दिन से इस पैटर्न की बात कर रहे हैं कि मार्केट में ऑलमोस्ट ये पैटर्न हमको बनता हुआ दिखा रहा है और मार्केट फॉल लेगा, लेकिन कहां पर लेगा ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। और जब भी फॉल लेगा तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो आपने अगर देखी होगी तो वो चीज़ आप सीख सकते हैं। मैं आज टेलीग्राम में फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो शेयर कर दूंगा, जिससे कि अगर आगे फॉल हो तो आप ये एक अंदाज़ा लगा सकें कि कहाँ तक फॉल हो सकता है, और इस हिसाब से मार्केट को अपट्रेंड में जाना चाहिए था। जो हमने यहाँ से बात की थी वहाँ से लगातार 2-3 दिन से मार्केट अपट्रेंड में है। अब अगर हम बात करें कि आगे का मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन, और मैं वन डे का रेजिस्टेंस, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। तो अगर आप सब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास डेली वीडियो आएगी और डेली आप वन डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। बाकी 5 मिनट्स के लिए जो इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम में दे देता हूँ, वन डे के हिसाब से मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे मिस ना हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो मिस ना हो तो आपसे लेवल्स भी मिस ना हो।
तो ये जो लेवल अभी ऊपर का, अभी जो फिलहाल मार्केट यहाँ पर कहीं है, तो अगर हम इसके ऊपर एक लेवल देखें, मान लीजिए कल हमको एक अच्छा गैप अप मिल जाता है, मार्केट यहाँ पे इससे ऊपर ओपन हो जाती है, मीन्स 16,250 प्लस ओपन हो जाती है और सस्टेन करती है, तो फिर हम ऊपर के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16,400 तक का अपना एक मूवमेंट। और अगर गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होता है या फिर यहीं कहीं मीन्स 30-40 पॉइंट हमको डाउन मिलता है और ये इसका आज का लोअर अगर क्रेक ब्रेक कर देता है 16,150 का जो लेवल है 16,000, तो फिर हम नीचे फिर से एक सपोर्ट तक जा सकते हैं जो कि 16,000 का आसपास, मीन्स 150 पॉइंट्स नीचे हैं। और अगर ऊपर हम बात करें ये लेवल ब्रेक होने के बाद 16,250 के ऑलमोस्ट पार होने का, तो 150 पॉइंट्स ऊपर है, तो ये मेजर पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन है 16,650 का आसपास है और फिर 16,400, नीचे एक सपोर्ट है 16,000 का, उसके नीचे एक सपोर्ट है 15,750 का। तो आई होप ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, अगर आपको अच्छी लगती होंगी डेली तो आप जरूर देखते होंगे। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट लेवल्स पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि ये लेवल मैंने आपको दिया था 35,090 का, टेलीग्राम में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट लिया, एक बहुत बुलिश मूवमेंट दिया स्टार्टिंग है। वैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मैं हमेशा आपको मना करता हूँ स्टार्टिंग की 2-3 कैंडल में इंटर ना करें, तो क्योंकि कई सारे लोगों ने इसको देख के देखा होगा कि बुलिश मोमेंटम, उन्होंने लिया होगा कॉल और यहाँ से फॉल होते ही निकल गए होंगे लॉस में, उसके बाद फिर से उन्होंने सोचा होगा मैंने गलत कर दिया और फिर से यहाँ से कॉल की एंट्री ली होगी, उसके बाद फिर से निकल गए होंगे। हालांकि मार्केट एक साइडवे सिचुएशन में था लगातार, आप देखिए यहाँ पे बस ये जब यहाँ पे अब आप देखिए पैटर्न दिखा, ये पैटर्न जैसे ब्रेक हुआ एकदम सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने इस पैटर्न का सपोर्ट लिया और एक बड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाया है। इसको भी कोई बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम नहीं बोलेंगे, हालांकि मार्केट जब आज पूरे दिन वैसे भी साइडवेज है तो कोई खास बड़े मूवमेंट होते हैं जब हम पहले देख रहे थे कि 3-4 दिन से लगातार मार्केट अप ट्रेंड में चली जा रही है, मूवमेंट भी अच्छा दे रही है, गैप अप भी अच्छा दे रही है, गैप डाउन भी अच्छा दे रही है, नीचे का मूवमेंट भी अच्छा दे रही है, वो एक अच्छा ट्रेंड है जिसमें हम बड़े टारगेट्स को बुक कर सकते हैं। रेंज बाउंड सिचुएशन में या तो आप ट्रेड मत करिए, बिगनर है तो बिल्कुल ट्रेड मत करिए, या फिर अगर आप सीख रहे हैं कुछ कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, चीजें सीख रहे हैं उसमें पैटर्न्स देख रहे हैं आप, तो छोटे टारगेट्स बुक करिए, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, इतने ही अगर 3-4 ट्रेड भी ले रहे हैं दिन में तो बहुत है आपके। और अब बात करें बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट में, तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडल बनाया है और ये पैटर्न कौन सा है वनडे के चार्ट पे कमेंट करके आप सब लोग बताइए वनडे के चार्ट पे ये कौन सा पैटर्न है, जितने भी कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ रखा है कमेंट करके बताइए और इसका क्या रिजल्ट होगा वो आप बताइए। अब मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दे दिया है, अब हमें ये देखना है कि कल हमें क्या इससे ऊपर ओपनिंग मिलती है तो फिर हम ऊपर के मूवमेंट के लिए जा सकते हैं जो कि 36,100 के आसपास है और नीचे का जो अभी फिलहाल सपोर्ट है आसपास 35,350 के आसपास है, उसके नीचे सपोर्ट है 34,750 का और उससे नीचे 34,150 का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते होंगे तो कर लीजिएगा। और आप चलते हैं सीधे अपने टेलीग्राम में, देखते हैं कि कैसे यूज में आ रहा है लोगों को और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 240 रुपीज़ का एक अच्छा प्रॉफिट है, नो मूवमेंट इन मार्केट, ये सारे पुराने स्टूडेंट्स जो इन चीज़ को समझ रहे हैं। 892 का प्रॉफिट है, डे 5th, थैंक यू सो मच, टुडे आई नो हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, टुडे इज ट्रेडिंग डन, ओके वेरी गुड। 746 का एक अच्छा प्रॉफिट है, आपके कोर्स को सीखने के बाद लॉस नहीं होता अगर कोई गलत स्टेप नहीं लें तो, यू आर गेट, सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग दिस फीडबैक। 3,855 का प्रॉफिट है इनका, फिर आज का प्रॉफिट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग। 2,032 का प्रॉफिट है, टुडेज प्रॉफिट डन, ओके। 882 का एक वर्चुअल ट्रेड है, मॉर्निंग स्टार, इन्होंने जो मैं पहले ही जिसकी मैंने बात की वहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लिया इन्होंने, अपने कम पोजिशंस को मीन्स कम टारगेट को अचीव करते हुए पोजिशन को एग्जिट कर लिया है, 882 का प्रॉफिट है, थैंक्स कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट से। ये भी 1765 का एक अच्छा प्रॉफिट है, जय हो कॉम्बो कोर्स, जय हो गुरुदेव, मॉर्निंग प्रॉफिट, अब बाकी डे आराम, ओके वेरी गुड। 108, 87, 114, 298, 154, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड है, पांचों ट्रेड्स प्रॉफिट्स की हैं, छोटे प्रॉफिट्स हैं, रेंज में सिचुएशन रही, कम ट्रेड में, कम एज अ बिगनिंग, ये एक अच्छी बात है कि जितने भी आप ट्रेड ले रहे हैं एटलीस्ट वो आपके सारे ट्रेड्स प्लस में जा रहे हैं। 110, 101 के दो प्रॉफिट्स हैं, ओके वेरी गुड। 10,925 का वर्चुअल ट्रेड है सर, 16th डे प्रॉफिट पेपर ट्रेडिंग सर, आपके कॉम्बो कोर्स का कमाल और सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से, 15-16 डेज हो गए इनको लगातार प्रैक्टिस करते हुए, ओके वेरी गुड सर, अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2,115 का एक अच्छा प्रॉफिट है, एंड दिस प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ योर कोर्स स्टडी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग।
तो इसी तरीके से आप भी मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अगर आप कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं 7011292963, या फिर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, सिर्फ मैसेज करिएगा। अब चलते हैं सीधे अपनी वेबसाइट पे। अगर आप डायरेक्ट कोर्स ही ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल, कोई भी बड़ी हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप सीधे वेबसाइट पे जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। सिंपल यहाँ ज्वाइन कॉम्बो कोर्स का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं। मेरा कोई भी फ़ोन पे, गूगल पे कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो जैसे ही आप किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पेमेंट फ़ोन पर नहीं होगा, ये खास कर ध्यान रखिए, फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो और पेमेंट करने के बाद कोर्स की पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल 3.5 GB के आसपास है, तो अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर लीजिए, स्पेस चेक कर लीजिए, क्योंकि बड़ी फाइल है तो थोड़ा टाइम ले सकती है। अगर नहीं डाउनलोड हो पा रही है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट हो गया है, तो आप सिंपल मुझे मैसेज कर सकते हैं फिर से इसी व्हाट्सएप पर, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और अपनी ईमेल आईडी जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी और अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। सो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑप्शंस फॉर टुमारो। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में।